आज हम लेके आए हैं आलू की बिल्कुल नई रेसिपी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, धनु आर कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आलू के इस मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने पानी से अच्छे से धुल लिया है। अब इन्हें लंबे साइज़ में हम काट लेंगे। इन्हें हम थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे। एक आलू के मैंने 8 पीस किए हैं। यहाँ पे मैंने छिलके सहित आलू को कट किया है। यहाँ पे आलूओं को अच्छे से कट कर लिया है। अब इसे पानी से धुल लेंगे। अब एक बर्तन में 2 बड़े चम्मच मैदा ले लीजिए। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर का यूज कर सकते हैं। अब कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ऑरगेनो, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इधर गैस पे मैंने एक भगोने में पानी रख दिया है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब गर्म पानी में अब आलूओं को डालकर 80% कुक कर लेंगे। आलू 80% कुक हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब आलू को एक कॉटन कपड़े में रख देंगे ताकि इनका पानी सारा निकल जाए। अब आलू को पहले सूखे मैदे से कोटिंग करेंगे, उसके बाद घोल में डाल के निकाल लेंगे। अगर ये